We have achieved together, I think, is historic because it is in fact the very first time in New Zealand's MMP history. Officially, New Zealand की new government आ चुकी है. इस immigration पे इसका क्या impact होगा? और अगर आप 2024 में New Zealand आने की सोच रहे हैं, तो आपको ये जानना क्यों जरूरी है? इसी के ऊपर आज बात करेंगे. तो hey guys, welcome back to your NZFN channel. मैं हूँ Vic. एक बहुत ही important चीज समझना है selection के बारे में ये है कि national party जो जीती है वो मेजॉरिटी में नहीं जीती है और एक कॉलेशन गवर्नमेंट बनी है तीन पार्टी की. तो हमारे जो न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं ऑनरेबल क्रिस लक्सन जो नेशनल पार्टी के लीडर है और जो हमारे डिप्टी पीएम होंगे फर्स्ट 18 मंथ्स के लिए वो है विंस्टन पीटर एंड देन जो बाकी की टर्म के लिए होंगे वो होंगे एक्ट के डेविड सिमियो. तो इन दोनों की पार्टीज़ की कॉलेशन से इस बारी गवर्नमेंट बनी है. तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा इमिग्रेशन पे वो उसके बारे में बात करते हैं. नाउ अब आप बोल रहे होंगे कि भाई इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, इससे माइग्रेंट्स को क्या क्या ही इम्पैक्ट होगा. तो जो सबसे मेन पोर्टफोलियो है जिसके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए वो है इमिग्रेशन मिनिस्टर का. और जो एज ए इमिग्रेशन मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं इस गवर्नमेंट में उनका नाम है एरिका स्टैनफोर्ड. नाउ ये नाम आपने पिछले कुछ सालों में सुना होगा या जो यहाँ पे माइग्रेंट्स कम्युनिटी है उन्होंने तो डेफिनेटली इस नाम को सुना ही होगा और वो फेमिलियर होंगे इस फेस के साथ, क्योंकि एरिका स्टैनफोर्ड एक ऐसे पर्सन है जिसने जब यहाँ पे माइग्रेंट्स बहुत इश्यूज फेस कर रहे थे, वीज़ा डिलेज थे बहुत ज़्यादा, रेजिडेंस डिलेज चल रहे थे या नर्सेज जो थे वो छोड़ के जा रहे थे कंट्री, तो उनके लिए एक आवाज़ जो बनने का काम किया था वो एरिका स्टैनफोर्ड ने किया था और उन इश्यूज़ को जो हाईलाइट किया था मीडिया में वो भी एरिका स्टैनफोर्ड ने किया था. तो अब उनके पास ऑफिशियली इमिग्रेशन मिनिस्टर की जो है पोजीशन है. जब वो ओपोजिशन में थे तो उन्होंने माइग्रेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था. तो अब उनके पास खुद पावर है तो आने वाला टाइम माइग्रेंट्स के लिए अगर हम उस तरीके से देखें तो काफ़ी ब्राइट लगता है न्यूजीलैंड में. और अगर आप 2024 में न्यूजीलैंड आ रहे हैं तो चांसेस आर कि आपके लिए अच्छी पॉलिसीज आने वाली है. इसमें सेकंड थॉट ये है कि ये मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं है, ये तीन पार्टीज की कोलेशन से बनी है. तो क्या एक ही पेज पे तीनों पार्टीज अग्री करेंगी माइग्रेंट्स के अगर फेवर में कुछ पॉलिसी आनी है तो क्या तीनों पार्टी अग्री करेंगी, ये डाउटफुल है. ये आने वाला टाइम ही बताएगा. तो लेट्स सी एंड आई रियली होप कि माइग्रेंट्स के लिए या आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आने वाले हो तो उनके लिए बहुत अच्छी पॉलिसीज आए और पाथवेज क्लियर हों ताकि आपको भी पता हो कि अगर आपको सेटल होना है तो कैसे हो सकते हैं न्यूजीलैंड में. सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप कि आपको ये क्विक अपडेट अच्छा लगा होगा. अगर आपको ऐसी अपडेट चाहिए न्यूजीलैंड के बारे में तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को भी लाइक कर देना, शेयर कर देना. अगर आप 2024 में न्यूजीलैंड आ रहे हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज हम आपको ऐसे ही अपडेट न्यूजीलैंड के बारे में स्पेशली रिलेटेड टू जो इमिग्रेशन के होते हैं उसके बारे में अपडेटेड रखते हैं. तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.